फिनाइल कीटोन्यूरिया PKU भी इसे कहते हैं, इज द मोस्ट कॉमन मेटाबॉलिक डिसऑर्डर इन अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म। अमीनो एसिड में डिसऑर्डर जब हो जाता है तो फिनाइल कीटोन्यूरिया डिजीज हो जाता है, इसको PKU भी कहते हैं। द इंसिडेंट ऑफ PKU इज 1 in 10,000 बर्थ, मतलब कि ये बीमारी 10,000 में से किसी एक को ही होता है। ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ हिपैटिक एंजाइम्स फिनाइल एनालिन हाइड्रोक्सिलेज, ये किसके वजह से होता है, जब आपके बॉडी में कौन से एंजाइम की कमी हो जाती है, वो फिनाइल एनालिन जो हिपैटिक एंजाइम्स होता है, फिनाइल एनालिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की जब डिफिशियंसी हो जाती है तो आपको फिनाइल कीटोन्यूरिया डिजीज हो जाता है। ये ऑटोसोमल रिवर्स जीन से होता है, मतलब कि ऑटो इम्यून डिजीज होता है, जन्म से ही बच्चे में ये बीमारी पाई जाती है। थर्स फिनाइल एनालिन इज नॉट कन्वर्टेड टू टायरोसिन, जिससे क्या होता है, जो ये आपका एंजाइम है फिनाइल एनालिन हाइड्रोक्सिलेज, अगर इसकी डिफिशियंसी हो जाती है तो जो आपका फिनाइल एनालिन है वो टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं हो पाता है। फिर आपको फिनाइल एनालिन मेटाबॉलिज्म इन फिनाइल कीटोन्यूरिया, फिनाइल एनालिन कैसे मेटाबोलाइज होता है फिनाइल कीटोन्यूरिया में, जो फिनाइल कीटोन्यूरिया प्राइमरी कॉज इन द ऑटो अक्यूमुलेशन ऑफ फिनाइल एनालिन इन टिश्यू एंड ब्लड। क्या होता है कि जो आपका फिनाइल कीटोन्यूरिया डिजीज में किसके वजह से होता है, जो एक्यूमुलेट होने इकट्ठा होने लगता है फिनाइल एनालिन जो आपके टिश्यू में और ब्लड में, एंड रिजल्ट इट इंक्रीज द एक्सक्रीशन इन यूरिन, जिससे क्या होता है जो आपका फिनाइल एनालिन है वो यूरिन के रास्ते एक्सक्रीट आउट मतलब बाहर निकलने लगता है। ड्यू टू द डिस्टर्बेंस इन द रूटीन मेटाबॉलिज्म, जिससे क्या होता है कि बार बार मतलब यूरिनेशन होगा और जो आपका रूटीन मेटाबॉलिज्म होता है वो क्या होता है, डिस्टर्बेंस हो जाती है उसमें। द नेम फिनाइल कीटोन्यूरिया इज क्वाइन ड्यू टू द फैट द मेटाबोलिक फिनाइल पायरवेट इज ए कीटो एसिड एक्सक्रीटेड इन यूरिन इन हाई अमाउंट, जिसमें क्या होता है आपका फिनाइल कीटोन्यूरिया में जो आपका मेटाबोलिक होता है फिनाइल पायरवेट को वो किस में हो जाता है, कीटो एसिड में, और यूरिन के साथ क्या होता है हाई अमाउंट में एक्सक्रीट आउट होने लगता है। जैसे फिनाइल एनालिन है, जैसे कि टेबल के से मैं आपको बता रही हूँ एरो के साथ, जो फिनाइल एनालिन है वो ट्रांस एमिनेज एंजाइम के प्रेजेंस में फिनाइल पायरवेट में कन्वर्ट हो जाता है। फिनाइल पायरवेट क्या होता है, डीकार्बोक्सिलेशन होता है, फिनाइल एसिटेट में कन्वर्ट हो रहा है। ग्लूटामिन क्या हो रहा है, जो होता है वाटर मॉलिक्यूल का फिनाइल एसिटाइल ग्लूटामाइन में चेंज हो जाता है, और फिनाइल एनालिन फिनाइल एसिटेट में हो जाता है। जो फिनाइल एनालिन होता है फिनाइल एनालिन हाइड्रोक्सिलेज की कमी से टायरोसिन में कन्वर्ट ना होके आपका ये प्रोसेस होता है, फिनाइल एसिटाइल ग्लूटामाइन आपका बन जाता है और ये कीटो एसिड में कन्वर्ट होके यूरिन के साथ बाहर निकलने लगता है हाई अमाउंट में, और फिनाइल कीटोन्यूरिया डिजीज हो जाती है। ठीक है, फिर इसका क्लिनिकल या बायोकेमिकल मैनिफेस्टेशन क्या होता है PKU का, जो डिस्टर्बेंस मेटाबॉलिक होता है फिनाइल एनालिन का, इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ फिनाइल एनालिन, इससे क्या होता है कंसंट्रेशन क्या होता है फिनाइल एनालिन का आपके ब्लड में टिश्यू में बढ़ने लगता है। इट मेटाबोलाइट इन द बॉडी कॉज मैनी क्लिनिकल एंड बायोकेमिकल मैनिफेस्टेशन, जैसे क्या होता है आपका इफेक्ट ऑन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सबसे पहला इफेक्ट इस पे होगा आपके CNS पे, जो मेंटल रिटार्डेशन होने लगेगा, मतलब क्या होगा ब्रेन के जो सेल होते हैं वो डैमेज होने लगते हैं, फेल्यू टू वर्क एंड टॉक, मतलब क्या होगा ना वो जिसको ये कहना फिनाइल कीटोन्यूरिया डिजीज हो जाएगा वो न चल पाता है ना बात कर पाता है, असफल रहेगा, और फेल्यू टू ग्रोथ उसकी ग्रोथ भी रुक जाता है, और जो इसका वो क्या है उसको सीजर और ट्यूमर्स होते हैं, मतलब उसको झटके पड़ते रहते हैं। फिर क्या इफेक्ट इन पिगमेंटेशन,
दूसरा इफेक्ट क्या होता है, पहला तो इफेक्ट बताया सीएनएस में, इफेक्ट जब करेगा सीएनएस पे तो क्या क्या चेंजिंग होता है, मेंटल रिटार्डेशन हो जाएगा, ब्रेन मतलब ब्रेन उसका सही से काम नहीं कर पाएगा, ना सही से बोल पाएगा, ना सही से चल पाएगा, ना उसका ग्रोथ हो पाएगा, और उसको बार बार झटके के दौरे पड़ेंगे। और दूसरा इफेक्ट क्या होता है, इफेक्ट ऑन पिगमेंटेशन, पिगमेंटेशन मतलब उसकी स्किन में क्या प्रॉब्लम होता है, हाइपर पिगमेंटेशन हो जाता है, उसकी स्किन का कलर लाइट हो जाता है, हेयर भी फेयर हो जाता है और ब्लू आई हो जाता है, मतलब उसका होल बॉडी क्या हो जाता है, वाइटिस हो जाता है, मतलब एक तरह से मतलब उसका कलर चेंजिंग हो जाता है। ट्रीटमेंट क्या है, ट्रीटमेंट क्या है, द मेंटेनेंस ऑफ प्लाज्मा फिनाइल एलानिन कंसंट्रेशन विद इन द नॉर्मल रेंज इज चैलेंजिंग टास्क इन द ट्रीटमेंट ऑफ पीकेयू। ही डन सेलेक्टेड फूड विथ लो फिनाइल एलानिन कंटेंट, मतलब कहने का मतलब ये है, जब अगर फिनाइल कीटोनीरिया डिजीज किसी को हो जाता है, तब अगर प्रेग्नेंट ओमेन जो होती है ऐसा डाइट ले जिसमें कि फिनाइल एलानिन का जो वो क्या कहते हैं फूड में डाइट ऐसा ले कि लो अमाउंट हो फिनाइल एलानिन, नहीं तो फिनाइल एलानिन वाला फूड को वो ना ले, जिससे क्या होता है जो बेबी का ग्रोथ होता है उसमें क्या होता है फिनाइल कीटोनीरिया डिजीज नहीं हो पाएगी। और ऐसे बच्चे 3 साल से लेके मुश्किल से 30 साल तक उसकी एज होती है, उसके बाद उनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। दूसरा डिजीज है फिर आपका एल्केप्टोन्यूरिया। एल्केप्टोन्यूरिया क्या होता है, ब्लैक यूरिन डिजीज, ये पहले मैंने बताया था फिनाइल कीटोनीरिया। दूसरा डिजीज क्या होता है, एल्केप्टोन्यूरिया, इसमें क्या होता है ब्लैक यूरिन डिजीज, मतलब यूरिन का कलर क्या होता है ब्लैक होने लगता है। एल्केप्टोन्यूरिया इज द ग्रेट हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंट, इट वॉज द फर्स्ट डिस्क्राइब बाई लूसीटेनस इन 1649 एंड करेक्टराइज इन 1859। मतलब लूसीटेनस एक वो साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया था 1649 की इसको डिस्क्राइब किया था और इसके करेक्टर को कब बताया था 1859 में। द डिफेक्टिव इंजाइम इन एल्केप्टोन्यूरिया इज होमोजेंटिसेट ऑक्सीडेज इन द टायरोसिन मेटाबोलिज्म, जो आपका टायरोसिन मेटाबोलिज्म होता है उसमें होमोजेंटिसेट ऑक्सीडेज इंजाइम की क्या होती है डिफेक्टिव मतलब उसमें कमी हो जाती है। होमोजेंटिसेट एक्यूमुलेट इन द टिश्यू एंड ब्लड एंड इज एक्सक्रीटेड इनटू यूरिन, क्या होता है आपका जो होमोजेंटिसेट एक्यूमुलेट होने लगता है किसमें, आपके टिश्यू और ब्लड में और यूरिन के साथ क्या होता है बाहर निकलने लगता है। होमोजेंटिसेट ऑनस्टैंडिंग गेट ऑक्सीडाइज टू द करस्पॉन्डिंग क्यूनोनून विच पॉलीमराइज टू गिव ए ब्लैक और ब्राउन कलर, जो आपका होमोजेंटिसेट आपका होता है वो क्या होता है पॉलीफिनाइल ऑक्सीडेज, मतलब वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, पॉलीमराइज होकर बेंजो क्यूनोन एक्सीडेंट में चेंज हो जाता है, फिर इसका पॉलीमराइजेशन होता है एल्केप्टॉन में चेंज हो जाता है, और एल्केप्टॉन मतलब ब्लैक कलर होता है और किसे आपके टिश्यू में क्या होता है बाइंड कर जाता है, ठीक है। फिर आपका दूसरा डिजीज आता है टायरोसिनीमिया या टाइप सेकेंड डिजीज, ये क्या होता है रिचनर हैनहर्ट सिंड्रोम भी कहते हैं, ये किसके वजह से होता है, ये भी टायरोसिन ट्रांसएमिनेस एंजाइम के डिफेक्ट होने की वजह से होता है, जिससे क्या होता है ब्लैकेट इन द रूटीन ऑफ डिग्रेडेटिव पाथवे ऑफ टायरोसिन एक्यूमुलेशन एंड एक्सक्रीशन ऑफ टायरोसिन, जैसे क्या होगा बॉडी में क्या होगा एक्यूमुलेट होने लगेगा और एक्सक्रीट होने लगेगा टायरोसिन और मेटाबोलाइज होने लगेगा पैराहाइड्रोक्सी फिनाइल पाइरुवेट एंड पैराहाइड्रोक्सी फिनाइल लैक्टेट पैराहाइड्रोक्सी फिनाइल एसीटेट एंड एसिटाइल टायरोसिन एंड टायरोसिन ऑब्जर्व। टायरोसिनीमिया टाइप सेकेंड इज कैरेक्टराइज बाई स्किन डर्मेटाइटिस एंड आई लेसन एंड रियली मेंटल रिटार्डेशन, इसमें क्या होता है कि इस बीमारी में क्या होता है जो आपका क्या कहते हैं पैराहाइड्रोक्सी फिनाइल पाइरुवेट या पैराहाइड्रोक्सी फिनाइल लैक्टेट होता है, ये क्या होने लगता है आपका मतलब कि टायरोसिन जो होता है वो एक्यूमुलेट होके एक्सक्रीट होने लगता है किसमें यूरिन के रास्ते,
और क्या होता है, जिससे क्या होता है, ये भी स्किन डर्मेटाइटिस मतलब उस पे भी इफेक्ट होता है, और आई लेसन पे भी वो इफेक्ट डालता है। और कभी कभी इसमें मेल्टर रिटार्डेशन मतलब कि जो ब्रेन क्या होता है, ब्रेन के सेल भी डैमेज करने लगते हैं। ठीक है, जो न्यूनेटल टायरोसीमिया जो होता है वो किसके वजह से आता है, एंजाइम जो होता है पैरा हाइड्रॉक्सी फिनाइल पायरुवेट की वजह से डिफिशियंसी से होता है, अब्सेंस ऑफ होने था है, डाई ऑक्सीजिनेज कॉज द न्यूनेटल टायरोसीमिया, मतलब जो डाई ऑक्सीजिनेज जो होता है इनकी वजह से क्या होता है, न्यूनेटल टायरोसीमिया होता है। दिस इज द मोस्टली टेम्परेरी कंडीशन एंड यूजली रिस्पॉन्स टू द एस्कर्बिक एसिड। ये क्या होता है, एक टेम्परेरी कंडीशन होता है, और ये किसको ये मतलब एस्कर्बिक एसिड की वजह से इसमें रिस्पॉन्स देखा जाता है। ठीक है, आज के लिए बस इतना है।